आपने अपने आसपास कुछ सामान्य वस्तुओं को देखा होगा जो धातुओं से बनी होती हैं। उदाहरण के लिए कोई कार या फिर कोई समुद्री जहाज या फिर कोई ब्रिज। लेकिन जब इन वस्तुओं को काफी समय तक नम हवा में खुला रखा जाता है तो उनके सतह पर एक लाल भूरे रंग का पदार्थ बन जाता है। यह पदार्थ क्या है? यदि कोई धातु अभिक्रियाशील है तो उसकी सतह पर वायु और जल द्वारा धीरे धीरे हमला किया जाता है और अभिक्रिया करने पर वे सतह पर यौगिक बनाते हैं जिससे धातु की सतह का रंग फीका हो जाता है। इस प्रकार बनने वाले यौगिक धीरे धीरे धातु की सतह से जड़ने लगते हैं और फिर से धातु पर वायु और नमी द्वारा हमला किया जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, यानी कोरोजन। हम संक्षारण को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, वायु और नमी द्वारा धातु की सतह पर अभिक्रिया के कारण धातु के क्षय को संक्षारण कहते हैं। तो इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आयरन का संक्षारण एक निरंतर प्रक्रिया है जो अंततः पूरे आयरन को खाकर अनुपयोगी बना देती है। इस प्रकार आयरन के संक्षारण को जंग कहते हैं, यानी रस्टिंग। जंग की प्रक्रिया को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल से आयरन ऑक्साइड। नम वायु के संपर्क में आने से सिर्फ आयरन का संचरण नहीं होता है बल्कि चांदी और कॉपर का भी संचरण होता है। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर ऑक्साइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। आइए उन परिस्थितियों का पता लगाते हैं जिनमें लोहे पर जंग लग जाती है। आइए संचारण को एक क्रियाकलाप से समझे। पहले टेस्ट ट्यूब में पानी डाल के कील रख दीजिए। दूसरे टेस्ट ट्यूब में पानी में थोड़ा नमक मिलाएं और कील को रखें और कॉर्क से बंद कर दें। और तीसरे टेस्ट ट्यूब में उबलता हुआ पानी और तेल डालकर कील को रखें। अब चौथे टेस्ट ट्यूब में थोड़ा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर बंद कर दीजिए और इन सब टेस्ट ट्यूब को थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए और थोड़े समय बाद इनका निरीक्षण कीजिएगा। आप देखेंगे कि परख नली ए और बी में रखी लोहे की कीलों पर जंग लग गया है, लेकिन परख नली सी और डी में रखी कीलों में जंग नहीं लगा है। यहां पर ऐसा क्यों हुआ है? परख नली ए की कील वायु और जल दोनों के संपर्क में रहती है, इसीलिए कील में जंग लग जाता है। परख नली बी की कील वायु जल और लवण के संपर्क में रहती है, इसीलिए इस कील में भी जंग लग जाता है। परख नली सी की कील केवल जल के संपर्क में रहती है। हालांकि जब हम जल को गर्म करते हैं तो गुलित वायु जल से निकल जाती है और तेल की परत फिर से किसी वायु को जल में घुलने से रोकती है। परख नली डी की कील केवल वायु के संपर्क में रहती है। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड एक निर्जलीकरण कारक है, अतः वायु शुष्क है। यह हमें लोहे की वस्तुओं में जंग लगने की परिस्थितियों के बारे में क्या बताता है? यह दर्शाता है कि लोहे में जंग लगने के लिए वायु और जल दोनों जरूरी है।